नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो वीडियोस हम दे रहे हैं वो आपके लिए पसंद होंगे, आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो आइए इसी क्रम में आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक विषय या जानकारी लेकर उपस्थित हूं, और वो विषय क्या है? वो विषय है आपका पाइथन के ऑपरेटर्स। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं। आज का जो विषय है वो है आपका पाइथन ऑपरेटर्स। सबसे पहले तो ये जानना बेहद जरूरी है कि बच्चों ऑपरेटर्स क्या होता है। तो आप कह सकते हैं वो सिंबल, वो संकेतक जो बताता है कि क्या बताता है कि दे आर द सिंबल्स यूज्ड टू डिनोट द ऑपरेशन। बच्चों ये वो सिंबल है जो ऑपरेशन को बताता है, किस ऑपरेशन को, जो कि किए जाएंगे किस पर, ऑपरेंड्स पर। यानी आप दूसरे शब्दों में मैं कहें अगर कि ए प्लस बी, तो आप कह सकते हैं कि यहां ए और बी क्या है, दे आर ऑपरेंड। और प्लस क्या है मित्रों, प्लस इज कॉल्ड ऑपरेटर। ये दो बातें बहुत जरूरी हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि पाइथन या दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में, बेसिकली मैं पाइथन के ऑपरेटर्स का यहां जिक्र कर रहा हूं, किसी भी लैंग्वेज में आप चले जाओ बिना ऑपरेटर का नॉलेज किए, बिना ऑपरेटर को सीखे, आप उस लैंग्वेज पर विशेष इफेक्टिव कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि भाई जब तक ऑपरेटर्स नहीं आएगा, ऑपरेटर नहीं आएगा तो आप कोई एक्शन कर भी नहीं सकते। क्योंकि सारा वर्क, सारा कार्य जो ऑपरेंड पर होता है वो इन्हीं ऑपरेटर्स की मदद से होता है। तो आपको याद रखना चाहिए, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस लैंग्वेज में कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। तो आइए आज के इस छोटे से वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ, आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि पाइथन लैंग्वेज में प्रमुख कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, और कुछ के बारे में आपसे जिक्र भी करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन के ऑपरेटर्स। पाइथन ऑपरेटर्स, चलिए सबसे पहला मैं बात कर रहा हूं पाइथन में अर्थमैटिक ऑपरेटर्स का। ये अर्थमैटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दे आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक अर्थमैटिक ऑपरेशन। बच्चों ये वो ऑपरेटर्स हैं जो बेसिक अर्थमैटिक ऑपरेशंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये अर्थमैटिक ऑपरेशंस क्या हैं, जैसे जोड़ है, जैसे घटाना है, जैसे गुणा है, जैसे भाग है। तो आइए आपको लिस्ट ऑफ अर्थमैटिक ऑपरेटर्स दिखाता हूं। लिस्ट ऑफ कौन कौन से वो बेसिक अर्थमैटिक ऑपरेटर्स हैं आपके, चलिए तो नंबर वन सबसे पहला प्लस, जिसे आप क्या बोलते हैं, एडिशन। नंबर दो जिसे माइनस कहते हो, सब
सब्ट्रैक्शन, ये सब बहुत बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, आप इनका प्रयोग अवश्य किए होंगे। ये क्या है? मल्टीप्लाई। चौथा बच्चों डिवीजन। पांचवा ये आपका फिफ्थ नंबर जो होगा ये क्या है? दिस इज मॉडुलस। छठवा इसको हम कहेंगे फ्लोर डिवीजन। और बच्चों सातवा जिसे मैं क्या बोलूंगा, ये देखिए एक्सपोनेंट। ये कुल लिस्ट मैंने दे दी पाइथन में, जितने तुम्हारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पाइथन में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? पहला है एडिशन, दो नंबरों को जोड़ता है, ये दो नंबरों को घटाना, ये गुणा करना और ये भाग करना। पाइथन में डिवीजन ऑपरेटर पे थोड़ा सा मैं फोकस डालूंगा। यहां डिवीजन ऑपरेटर का काम क्या है? अगर आपने दिया पांच, या पांच रहने दीजिए, आपने लिखा 6/2, तो बेसिकली आपको मालूम है कि आंसर आएगा 3। लेकिन अगर आप पाइथन में डिवीजन करोगे तो जो आंसर आएगा वो 3.0 आएगा। अर्थात डिवीजन ऑपरेटर जो रिजल्ट देता है वो किस डेटा टाइप में देता है? फ्लोट में देता है। ये बेसिक जानकारी है। जबकि इसी की जगह बच्चों अगर आपने लिख दिया 6 फ्लोर डिवीजन 2, तो अब ये जो आंसर देगा वो किस में देगा? वो देगा आपका इंटीजर वैल्यू में देगा। तो अब जो आपको आंसर मिलेगा वो INT मिलेगा। तो याद रख लीजिए कि अगर आपको डिवीजन का रिजल्ट दशमलव में नहीं चाहिए तो आप फ्लोर डिवीजन यूज करना, और अगर आपको नॉर्मल डिवीजन चाहिए तो वो बाय डिफॉल्ट दशमलव में देता है बच्चों। इसके अलावा आपका एक्सपोनेंट क्या है, मैं इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। अगर आपने लिखा 2/3, तो बच्चों ये आपने गणित में पावर वाले प्रश्न जरूर सॉल्व किए होंगे। 2^3 तो क्या आंसर देगा? 8। तो ये बहुत आसान है। बाकी आपको बाकी सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में आप एज इट इज जानते हो। तो ये हो गया आपके पाइथन का पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके अलावा और कौन सा ऑपरेटर है पाइथन में? तो जिसे मैं कह सकता हूं रिलेशनल या कंपैरिजन। ये कौन से ऑपरेटर्स हैं? जैसे कि मैं लिस्ट दे रहा हूं आपको, लिस्ट को ध्यान से देखिएगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये देखिए ये क्या है बच्चों? पहला ये है तुम्हारा ग्रेटर, ग्रेटर देन। ये क्या है आपका? लेस देन। ये क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये क्या है आपका? लेस देन और इक्वल टू। ये क्या है बच्चों? नॉट इक्वल टू। और ये क्या है? इक्वल्स टू। ये देखिए ये कितने टोटल आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं, उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने मैंने डाल दी। यहां पर क्या है एग्जांपल देखिएगा बच्चों, अगर आपने लिखा 5 > 3 तो ये आंसर क्या देगा? हमेशा याद रखिए ये ऑपरेटर जो आंसर देगा वो बूलियन में देगा ट्रू।
तीन ग्रेटर देन पांच, आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या आएगा बच्चों, फॉल्स आएगा। पांच लेस देन सात, आंसर क्या देगा, ट्रू। ठीक है, अगर आपने लिख दिया पांच बड़ा या बराबर है किसके, पांच के, तो पांच 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 से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो इन दोनों में कोई भी एक अगर ट्रू होगा तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, ट्रू। इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका क्या मतलब है बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसी तरह से अगर आपने लिखा कि फाइव लेस देन और इक्वल टू, तो पांच पांच से छोटा नहीं है लेकिन अगेन क्या है, बराबर है, आंसर क्या आएगा बच्चों, ट्रू आएगा। पांच नॉट इक्वल टू फाइव, क्या पांच पांच के बराबर नहीं है, ये कथन गलत है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। पांच नॉट इक्वल टू फोर, आंसर बिल्कुल ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि पांच चार के बराबर नहीं है, ये कथन क्या है, सत्य है बच्चों। और एक और एग्जांपल देखिएगा, पांच क्या पांच के बराबर है, जी हाँ बिल्कुल बराबर है, तो ये आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, क्या ए कैपिटल ए कैपिटल ए के बराबर है, जी हाँ बिल्कुल बराबर है, ट्रू आएगा। लेकिन क्या स्मॉल ए कैपिटल ए के बराबर होगा बच्चों, नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आगे पढ़ाएंगे कभी आपको कि ये जो चेकिंग हो रही है बच्चों, ये एस्काई वैल्यूज के आधार पे हो रही है। तो देखिए, आपको दो रिलेशनल ऑपरेटर का आइडिया मिल गया होगा, वो कौन कौन से, वो आपके, वो मैंने आपको दो कैटेगरी अभी ऑपरेटर्स की दिखाई, एक अर्थमेटिक और दूसरी कौन सी आपकी, लॉजिकल या मैं कहूँ रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद बच्चों तीसरा ऑपरेटर है पाइथन में जिसको मैं कहता हूँ लॉजिकल, वो है कौन सा, एंड और नॉट। एंड तभी काम करता है जब आपको, जब आपकी दो की दोनों दी गई कंडीशन ट्रू हो, और तभी काम करता है जब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो, और नॉट कंडीशन को रिवर्स कर देता है। ये हो गया तुम्हारा लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद बच्चों एक और ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, वैल्यू को असाइन करना फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। याद कर लीजिए इस चीज को, अगर आपने लिखा x बराबर 10, तो 10 राइट से किधर आ रहा है, लेफ्ट में, यानी x का मान हो गया 10। लेकिन तुम ये नहीं कर सकते बच्चों कि 10 बराबर x की वैल्यू आप लेफ्ट से राइट की ओर ले जाएं, ये स्टेटमेंट अलाउड नहीं है। और इसके अलावा पाइथन में बच्चों एक और ऑपरेटर उपलब्ध है जिसको मैं नाम देता हूं बिट वाइज ऑपरेटर। ये वो ऑपरेटर होते हैं जो बिट्स पर कार्य करते हैं बच्चों, इंडिविजुअल बिट पे वर्क करते हैं। कौन कौन से हैं, इनका लिस्ट देखिए, ये देखिए बिट वाइज राइट शिफ्ट, ये क्या है, बिट वाइज राइट शिफ्ट। इसी तरह से बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, इसके बाद क्या होता है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, आपका ये एम्परसेंड, ये बिटवाइज एंड है बच्चों, ये क्या है, बिटवाइज और है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और ये क्या है, बिटवाइज यक्स और। तो ये डिटेल में आपको जब पूरा वीडियो बच्चों कभी बनाऊंगा ऑपरेटर का तो आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन यहां आपको परिचय देना जरूरी है कि पाइथन में मेनली कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। तो देखिए ये बहुत ही कमाल के ऑपरेटर्स हैं जिनको हम बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। इसी तरह से पाइथन में एक ऑपरेटर और है, मेंबरशिप। कौन से ऑपरेटर हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसमें दो हैं, एक तुम्हारा इन है
एक तुम्हारा नॉट इन है। ये मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करते हैं बच्चों, ये बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी सीक्वेंस, पाइथन में सीक्वेंस डेटा टाइप होता है, मैं पुराने वीडियोस में आपको कुछ आइडिया दे चुका हूं, तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी सीक्वेंस का हिस्सा है या नहीं है, ये कौन बताता है? आपके मेंबरशिप ऑपरेटर। और पाइथन का लास्ट कैटेगरी है जो ऑपरेटर की, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, जिसमें दो है बच्चों, एक इज होता है और दूसरा तुम्हारा इज नॉट होता है। इज और इज नॉट दोनों क्या है, ये बताते हैं कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर की बोथ दी साइड यानी लेफ्ट और राइट साइड वैल्यूज हैं या वेरिएबल्स हैं, वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं या डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। तो देखिए, ये पूरी लिस्ट मैंने आपको पाइथन के ऑपरेटर्स की दी। अगर आपको बच्चों कंप्लीट इन ऑपरेटर्स की नॉलेज विथ प्रोग्राम, विथ प्रैक्टिकल, विथ एक्सरसाइज अगर आपको चाहिए, आप करने के इच्छुक हो, तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको ऐप यूनिक ग्रुप के डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कुछ फायदा बच्चों मिल रहा हो। तो जल्दी जल्दी सभी लोग यूनिक ग्रुप के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पाइथन के कंप्लीट नॉलेज अबाउट ईच टॉपिक चाहते हैं, तो बाकी मैंने आपको ऑपरेटर्स का एक हल्की सी झलक, एक हल्का सा आइडिया इतने न्यूनतम समय में देने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये प्रयास बच्चों आपको कुछ फायदेमंद होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। इसी आशा के साथ अब मैं विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।